पोटेशियम पर मैंगनेट कंटिन्यूड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देख रहे थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैंगनीज जो है उसके मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है और हम उसको मजीद ऑक्सीडाइज करने के लिए मैंगनेटाइन को पर मैंगनेटाइन में चेंज करते हैं और ऐसे हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन होती है मैंगनेट से पर मैंगनेटाइन में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि जो आपके पास पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जो आपका पोटेशियम पर मैंगनेट है ये आपके पास पर्पल कलर के अंदर होता है। पर्पल, इसको मैं पर्पल कलर ही से लिख देता हूँ, पर्पल आपके पास पर्पल कलर में होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा डार्क पर्पल में होता है जिसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास डार्क पर्पल कलर में होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा MnO4-1 है आपके पास और साथ में एक पोटेशियम का आयन लगा हुआ है। तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि आपके पास मैंगनीज होगा, साइड पे आपके पास क्या लगे होंगे, चार ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से लगे हुए होते हैं ये चार ऑक्सीजन, ये चार ऑक्सीजन आपके पास टेट्राहेड्रल फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल जिस तरह आपने टेट्रा पैक्स वगैरह देखे हैं ना, जिस तरह वो पहले पहले वो मिल्क पैक आया करते थे, हबीब वगैरह, हलीब के सॉरी, आपके पास टेट्रा पैक्स आया करते थे, इस तरह के पिरामिडल टाइप उनकी शेप्स होती हैं, तो वो आपके पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये इसकी कोई टेट्राहेड्रल टाइप का होता है और ये सारे बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं 109.5 आपके पास होते हैं। आपके टेट्राहेड्रल वगैरह या आप चैप्टर 7 के अंदर जब इस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा टेट्राहेड्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास मैंगनीज के गिर्द जो चार ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं ना, ये आपके पास ये आ गए चार ऑक्सीजन के एटम्स। पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मैंगनीज क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 7। अब ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक जहन में क्वेश्चन उठता है कि अगर ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आप आयनिक कोवेलेंट को बहुत डिटेल में और बहुत अरसे से स्टडी करते आ रहे हो, आपके ख्याल में ये कौन सा बॉन्ड है? चले, आपके बहुत सारों के जहन में आ रहा होगा कि आपके पास आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन बेसिकली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, या आपके लाइंस शो करने का मतलब ही यहां पे क्या है कि ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सारों के साथ सेम तो नहीं बनेंगे ना। मैंगनीज टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा आपके पास, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बनाता है, 2। तो लेट्स से यहां पे आपके पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए, और यहां पे भी आपके पास 2 बन गया। मैंगनीज के टोटल कितने हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और 7th बनाने के लिए आप लेट्स से यहां पे एक डबल कर दो। अब एक ऑक्सीजन आपके पास ऐसा रह गया जिसका एक बॉन्ड है, तो वो ऑक्सीजन जो है -1, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और साथ में अगर आप एक पोटेशियम लगा दो K+1, तो वो उसको बैलेंस आउट कर देगा और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर तो आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो यूं स्ट्रक्चर को समझा तो जा सकता है, लेकिन ओरिजिनली परमैंगनेट का आयन या पोटेशियम परमैंगनेट देखने में ऐसा नहीं होता। इसकी रीजन क्या होती है आपके पास कि लेट्स से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो मैंने ये कहा कि कोई एक बॉन्ड ऐसा रह जाएगा जो सिंगल होगा, अब ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये ऊपर वाला होगा, राइट वाला होगा, लेफ्ट वाला होगा, या बॉटम वाला होगा, ये कौन सा होगा आपके ख्याल में, कौन सा होगा? मतलब मैंगनीज की मर्जी होगी, मैंगनीज डिसाइड करेगा मैंने किससे लेना है और किससे नहीं लेना, मैंने किससे 2 बॉन्ड्स बनाने, किससे 1 बनाना। एक्चुअली ये होता है कि ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल नहीं होता, और ना ही ये वाले जो 3 हैं ये तीनों डबल होते हैं। आप अभी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर ना, जो आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आपके इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिसके अंदर बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें भी कुछ इसी टाइप का सीन होता है। आपके पास जो बेंजीन है ना, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, आप C6H6 को यूं बनाते हो कि कार्बन आपके पास 6 यूं करके लगे हुए होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन, और इनमें से साइड्स पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हर कार्बन का एक एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ पूरा हो गया, और हाइड्रोजन तो बनाता ही एक बॉन्ड है, और ये सारे कार्बन आपस में एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हर कार्बन का अब आप नोट करोगे 3-3 बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 2 कार्बन की, इन पर्टिकुलर लेट्स से मैं बात करता हूं, इन वाले 2 की, इसकी और इसकी, ये क्या करते हैं, आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहां पे एक बॉन्ड और बना लेते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के 4-4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, लेकिन
इस वाले के नहीं हुए, अगर ये यहां पे एक और डबल बॉन्ड बना लें तो फिर क्या होगा कि इस वाले कार्बन के टोटल 5 हो जाएंगे, तो वहां पे ऊपर तो नहीं बन सकता एक, तो फिर क्या होगा कि यहां पे नीचे एक आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और साइड पे अगर यहां पे एक बनाए तो यहां पे एक बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये तीन जो डबल बॉन्ड्स आपके पास बने हैं, ये तीन आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर बने, ठीक है, और ये तीन ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर बने, और इन्हीं पे क्यों बने? अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये हो कि यहां पे क्यों नहीं बने, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक यहां पे बन जाता है, एक यहां पे बन जाता है, यहां पे, ये वैसे भी हो सकता था। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि आपका सिंगल या डबल जो बॉन्ड है ना, वो बेसिकली ये नहीं होता कि वो सिंगल या डबल है, वो एक्चुअली आपके पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। मसलन आपके पास पी क्लाउड जो है ना, ये आपके पास सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिमेट्रिकली सारों के दरमियान, ठीक है। ये अभी आपको फिलहाल अगर कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो इसको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, ये जब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगा कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। जो मैं बात आपको सिंपल सी बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है ये यहां पे एक्चुअली सिंपल नहीं होगा, और यहां पे ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली डबल नहीं होंगे, बल्कि ये सारे के सारे सेम सिमेट्रिक बॉन्ड्स होंगे, तभी तो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। अगर आपके पास तीन डबल बॉन्ड्स हैं और एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका तो मतलब है कि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगा। सिमेट्रिक का मतलब है जो हर एंगल जिसका सेम हो। आप साथ ये भी कह रहे हो कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है, और अगर ये चार बॉन्ड यूं बनाए तो ये सिमेट्रिक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए रेजोनेंस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मेरे ख्याल में आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा मैंने आपको बताया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा आपको मैं वो लास्ट जो आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे जिसके अंदर आपने क्रोमियम के स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसके अंदर भी सीआरओ फोर होता था ना, सीआरओ फोर और इसका नेगेटिव चार्ज होता था, सिंपल क्रोमेट की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब सिंपल क्रोमेट में भी आपके पास इसी तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, चार ऑक्सीजन होते हैं, और ये क्रोमियम आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 शो करता है, ठीक है। जैसे आपके पास मैंगनेट में आपके पास ऑक्सीजेशन मैंगनेट में 6 शो करता है ना, पर मैंगनेट में आपके पास 7 शो करता है, तो यहाँ पे आपके पास 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। इसका मतलब है दो आपके पास अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाए और दो सिंगल रह जाए तो कहानी सॉल्व तो हो जाती है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे दो पोटेशियम साथ लगा दो तो ये सिंपली K2CrO4 बन तो जाएगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि अब ये कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे, और ये रेजोनेंस का इसमें भी फिनोमेना अप्लाई होता है, तो इस वजह से ये क्या होता है कि ये डबल और सिंगल नहीं होते बल्कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, पी ऑर्बिटल की, ठीक है। अच्छा, जो एक्चुअल इसके बाद हम लोग चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके अलावा जो सोल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी है, जो आपका पोटेशियम पर मैंगनेट है ना, ये आपका वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और आप अमूमन जब इसकी टाइट्रेशन वगैरह करते हो ना तो आप क्या करते हो, ये लिक्विड फॉर्म में यूज करते हो, इसको थोड़ा सा वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हो, और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व आपके पास पिंक सा कलर शो करता है, ठीक है, पर्पल और पिंक का कुछ कॉम्बिनेशन टाइप आपके पास कलर होता है। ये ऊपर आपके पास ये जो दरमियान वाली पिक्चर है ये बेसिकली KMnO4 की है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है, और सॉलिड फॉर्म में आपके पास ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स टाइप आपके पास सॉलिड। अच्छा, इसके बाद जिस तरह ये आपके पास देखा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये आपके पास दरमियान में एक मैंगनीज है, साइड पे चार ऑक्सीजन लगे हुए हैं, रेड बॉल से शो हो रहे हैं, और साइड पे फिर एक एक पोटेशियम इनको बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। मैंगनेट पोटेशियम, मैंगनेट पोटेशियम, पोटेशियम पर मैंगनेट का ये आपके पास, सॉरी पर मैंगनेट एंड पोटेशियम के स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। तो अगला हम लोग अब ऑक्सीडाइजिंग वगैरह देखते हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट जो है ना, ये जो है ना इटसेल्फ काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। आप देख चुके हो कि मैंगनीज की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7 से ज्यादा हो सकती है, 7 से ज्यादा हो भी नहीं सकती। वैसे आपने जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, 7, ठीक है। तो अभी हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इसने ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी 7 शो की है, ठीक है। तो अब जब ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम आगे में ऑक्सीडेशन स्टेट 7 शो कर रहा है, तो इटसेल्फ चूंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का, ठीक है। आपके पास जिस तरह पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो थे ना, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके पास बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते थे, और ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। इसी तरीके से आपके पास जो KMnO4 है ना, KMnO4, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं लास्ट लेक्चर के अंदर जो, बल्कि लास्ट से लास्ट जो आपके पास लेक्चर था जिसके अंदर आपने क्या देखा था, आपने फिर रिएक्शन देखे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे पहला रिएक्शन आप रिकॉल करो वो क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने क्या किया था,
एसिड के अंदर डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर. और सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है कि ये पोटेशियम सल्फेट बना देगा, क्रोमियम सल्फेट बना देगा आपके पास, ठीक है, साथ में क्या बनाएगा आपके पास वाटर बना देगा, और साथ में नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. और एक्चुअली ये जो नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है ना, ये फिर आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबल होती है मजीद रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए. यानी जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब है कि नेसेंट ऑक्सीजन लाजमन उसमें बन रही है. फिर आप ये करते हो कि इस नेसेंट ऑक्सीजन का अगर आप रिएक्शन करा दो फर्दर किसी भी चीज के साथ, मसलन आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दोगे, तो क्या बन जाएगा कि सल्फर सेपरेट हो जाएगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा और यानी हाइड्रोजन रिमूव कर देगा उसके अंदर से, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से, जिससे ऑक्सीडेशन हो जाएगी सल्फर की, ठीक है. तो ये आपके पास बन जाएगा. और बेसिकली इस पूरे रिएक्शन के अंदर हुआ अब ये है आपके पास कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर सल्फर का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव टू, और सिंपल सल्फर यहां पे पड़ा हुआ है, इसका चार्ज यहां पे क्या है, जीरो. तो नेगेटिव टू से जीरो का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है, नेगेटिव टू से जीरो चार्ज बढ़ गया है, ठीक है. तो इसको ऑक्सीडाइज किसने किया है, नेसेंट ऑक्सीजन ने, और वो कहां से आया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से. इन दो रिएक्शन को आप जरा अपने जहन में रखो. और अब मैं आपको दो नए रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, ठीक है. ये जो रिएक्शन है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं KMnO4 लेता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह अब मैं पोटेशियम परमैंगनेट लेता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट में ले रहा हूं, ठीक है. और इसको मैं इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, और फिर मैं देखता हूं कि ये क्या बनाता है आपके पास. ये आपके पास ये करेगा कि जैसे उसमें पोटेशियम सल्फेट बना था, इसमें पोटेशियम सल्फेट बनेगा, जैसे उसमें आपके पास क्रोमियम सल्फेट बना था, यहां पर आपके पास मैंगनीज सल्फेट बनेगा, मैंगनी सल्फेट बनेगा. जिस तरह उसमें आपके पास वाटर बना था तीसरा, इसमें भी आपके पास वाटर बनेगा, और जिस तरह उसके अंदर आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन बना था, इसमें भी आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा. और फर्दर अगर आप इस नेसेंट ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दोगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिस तरह आपने उसमें ऊपर किया था, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा. आपके जितने भी आपके पास जो रिएक्शंस है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के और पोटेशियम परमैंगनेट के, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज ये सेम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होल्ड करते हैं, ठीक है. तो ये भी आपके पास नीचे वाले रिएक्शन ऊपर वाले रिएक्शन में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिंपल आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में रिप्लेस कर दिया है. जहां पे आपके पास क्रोमियम का सल्फेट बन रहा था, वहां पे अब आपके पास मैंगनीज का सल्फेट बन रहा है, ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है ना, अब इन रिएक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है, इन रिएक्शन को हम यूज करेंगे और मजीद हम और रिएक्शन कराते हैं. जैसे आपको लास्ट टाइम याद होगा, लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने डाल दिया था, किस चीज के अंदर डाला था हमने, फेरस सल्फेट के अंदर. फेरस सल्फेट का FeSO4 फॉर्मूला होता है नेगेटिव टू एंड प्लस टू, ये फेरस प्लस टू यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है. तो फेरस सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन करवाया था, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये फेरस किस में चेंज हो गया था, फेरिक में. क्यों चेंज हुआ था फेरिक में, बिकॉज बेसिकली ये जो दोनों हैं, ये आपके पास जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन. और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर देगी फेरस को, और वो उसको फेरिक में चेंज कर देगी, चार्ज उसका बढ़ा देगी, प्लस थ्री में चेंज कर देगी. तो फेरिक का सल्फेट आपके पास Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा फिर, ठीक है. तो आपके पास फेरिक सल्फेट प्रोड्यूस हो जाता है. फेरिक सल्फेट के आपके पास, फेरिक सल्फेट से अलावा आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ था, अगर आप लास्ट टाइम के रिएक्शंस को रिकॉल करो, एक तो आपके पास फेरिक सल्फेट प्रोड्यूस हुआ था, साथ में आपके पास एक तो क्रोमियम सल्फेट प्रोड्यूस हो गया था, अभी क्रोमियम सल्फेट, साथ में आपके पास पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ था, और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हुआ. ये जो लास्ट तीन चीजें हैं ना, ये आपके हर रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी. देखो, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर, ये तो होनी ही होनी है ना. जब भी आपके पास ये दो चीजें रिएक्ट करेंगी, ये तो तीन चीजें तो बनेंगी, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी बनेगा, ठीक है. तो ये तीन चीजें तो बननी ही बननी थी, ये तीन चीजें तो वो वाली बन गई, और साथ में आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया कि आपके फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सल्फेट में चेंज कर दिया, ठीक है. इस दफा आपके पास क्या होगा कि आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होगा, बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट होगा, ठीक है. पोटेशियम परमैंगनेट को आप इसी तरीके से KMnO4 को आप क्या करोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप फेरस सल्फेट के अंदर ऐड करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं होगा. सिर्फ आपके पास क्या होगा कि या ये दोनों जब भी मिलते हैं, जिस तरह वो दोनों मिल रहे थे तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, ये दोनों मिलके भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को क्या करेगा, फेरिक सल्फेट में चेंज कर देगा, ठीक है. Fe2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा. इसके अलावा आपके पास मजीद कुछ सल्फेट्स भी बनेंगे. एक तो आपके पास मैंगनीज का सल्फेट बनेगा. मैंगनीज का सल्फेट क्या होता है आपके पास, इधर नीचे आप देखो, ये तीन चीजें तो बननी ही बननी है. जिस तरह उसमें वो ऊपर वाली तीन चीजें बनी थी, इस तरह आपको इस ऑरेंज से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले जिस उसमें मैं ये और ये बने थे, इसमें भी ये और ये तो बनने ही बनने हैं, ठीक है. एक सिंपल मैंगनीज सल्फेट, ठीक है, मैंगनीज सल्फेट आपके पास बनेगा, एक फेरिक सल्फेट बनेगा, एक आपके पास क्या बनेगा,
कौन को और कौन सा रहेगा आपके पास, एक मैंगनीज सल्फेट हो गया, ठीक है, एक आपके पास फेरिक सल्फेट हो गया, फिर नीचे हम लिख देते हैं, तीसरा आपके पास हो गया पोटेशियम सल्फेट हो गया, बिकॉज आपके पास सॉरी पोटेशियम था तो ऑफकोर्स वो तो बनेगा, तो पोटेशियम सल्फेट आपके पास K2SO4 हो गया, साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये वाली तीन चीजें एक्जैक्टली उसी तरीके से आपके पास ये तो बननी ही बननी थी, और इन दोनों के नेसेंट ऑक्सीजन बनाने की वजह से फेरिक सल्फेट फेरिक सल्फेट में चेंज हुआ, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसके अलावा आपके पास मजीद जो रिएक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। एक आपके पास जो रिएक्शन होता है वो आपका ऑक्जैलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे, COOH होल ट्वाइस, ठीक है। COOH होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि दो कार्बन एटम्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और इन्होंने यूं डबल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूं करके लगा हुआ होता है ऑक्सीजन, और ये देखें सारों के बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं ना, कार्बन के दो दो बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पास चार चार बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के दो दो कंप्लीट हो रहे हैं, और हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है। तो देखो COOH COOH COOH, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप इसको यूं भी लिख सकते हो C2O4 एंड H2, ठीक है, C2H2O4, ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप ये करो कि अगेन यही वाला रिएक्शन KMnO4 प्लस आप H2SO4 का जो सोल्यूशन है इसको आप ऑक्सैलिक एसिड के अंदर डाल दो, यानी आप H2C2O4 के अंदर अगर आप डाल दो तो आपके पास क्या होगा, उधर बुक से देखे बगैर आप सोचो आपके पास क्या होना चाहिए। आपके ये जो पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा कि आपके इस वाले को अटैक करेगा, ठीक है, और जब ये इसको अटैक करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां पे आपके पास H2C2O4 के अंदर इसको वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और होगा क्या आपके पास कि आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेपरेट आउट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके पास सेपरेट हो जाएंगे यहां पे, और जब ये दोनों सेपरेट होंगे आपके पास तो साथ में आपके पास मैंगनीज सल्फेट बन जाएगा और साथ पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ये तीन चीजें तो वैसे बननी ही बननी थी, ये अगेन आप देखो ये तीन चीजें तो हमेशा से बन ही रही है ना, मैंगनीज सल्फेट पोटेशियम सल्फेट और वाटर। इसका मतलब है सिंपली ऑक्सैलिक एसिड किस में चेंज हो गया, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसने ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फर्क सिर्फ मैं एक दफा फिर बता देता हूँ बाकी रिएक्शंस में क्या हो रहा था, ये तीन चीजें तो बन ही रही थी, साथ में आपके पास कोई एक ऐसी चीज बन जाती थी जो ऑक्सीडाइज होके बनती थी, ठीक है, और इस केस में आपका ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास चेंज होके। इसके बाद आपके पास एक फाइनल रिएक्शन रह गया, फाइनल रिएक्शन जो आपके पास है वो सिंपली ये है कि आप जो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है ना इसको आप ऐड कर दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अब बेसिकली इसको समझने के लिए आप ऐसा करो कि इसको अगेन उस इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंसेप्ट के साथ लिंक करो, पोटेशियम और हाइड्रोक्सिल यूं बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। हाइड्रोक्सिल फिर क्या करेगा कि हाइड्रोक्सिल जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वाटर में चेंज हो जाएगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ये जो ये पूरा मैंने रिएक्शन लिखा है ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल लाइन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है फिर ये आपके साथ क्या करेगा कि ये आपके मैंगनेट आयन को अटैक करेगा और मैंगनेट आयन आपका क्या बन जाएगा फिर पर मैंगनेट में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास K2MnO4 बन जाएगा, ठीक है, साथ में आपके पास वाटर, ये वाला वाटर और साथ में आपके पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है आपस में मिलकर ऑक्सीजन लिबरेट भी कर देंगे। अगेन ये रिएक्शन भी बहुत मुश्किल नहीं है, इसके अंदर आप इसको उस हाइड्रोक्सिल लाइन की ऑक्सीडेशन के साथ लिंक कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात स्टार्ट की थी मैंगनीज के आयंस के बारे में, और फिर हम लोगों ने पाइरोलुसीट देखा, पाइरोलुसीट आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पाइरोलुसाइट है जो भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई, MnO2 इस कंपाउंड का नाम था, ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की क्या होती थी, 4 होती थी। फिर हम क्या करते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते थे और फिर हम उसको मैंगनेटाइन में चेंज करते थे, और वो जो मैंगनेटाइन होता था फिर वो क्या करते थे, हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में के साथ रिएक्ट कराते थे तो पर मैंगनेट में वो चेंज हो जाता था, ठीक है, या हम ये करते थे कि स्टेडलर्स रिएक्शन कराते थे उसका क्लोरीन गैस के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और वो भी उसको ऑक्सीडाइज करके परमैंगनेट में मैंगनेट को चेंज कर देता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रोलिसिस देखा उसी को परमैंगनेट प्रोड्यूस करने के लिए मैंगनेट से। इसके अलावा हमने आज के लेक्चर के अंदर फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देखी, फिर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल्स देखे,
आपके पास अभी पीछे जितने भी रिएक्शंस थे इन सब में आपके पास मैंगनेट पर मैंगनेट में चेंज हो रहा था, तो बेसिकली आपके पास ग्रीन टू पर्पल ट्रांजिशंस थी। ठीक है, ये जो तो पहले वाले लेक्चर थे। आज जो हम लोगों ने इस वाले लेक्चर के अंदर जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, तो आपके पास देखो बेसिकली क्या हो रहा है। मैं लेट्स से ये वाला रिएक्शन देखते हैं, सबके अंदर क्या हो रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड आपका रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, और जो तीन लाजमी चीजें बन रही हैं उनमें से एक चीज जो सबसे काम की है वो मैंगनीज सल्फेट है। आप अगर मैंगनीज सल्फेट को थोड़ा गौर से देखो, यहां पे मैंगनीज का क्या चार्ज है, टू। बेसिकली पोटेशियम पर मैंगनेट जो है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है। यहां पे देखिए मैंगनीज का चार्ज क्या है, पर मैंगनेट में मैंगनीज सेवन होता है, ठीक है, एम एन सेवन होता है, और यहां पे आपके पास मैंगनीज टू में चेंज हो गया। ठीक है, तो सेवन से टू यानी इसका मतलब खुद रिड्यूस हो गया और इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, इसे दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और इट सेल्फ जो है ये रिड्यूस हो गया आपके पास मैंगनीज जो है इन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंगनीज टू का मतलब क्या है, मैंगनीज टू का आपके पास मतलब ये है कि आपके जो 4s2 3d5 मैंगनीज की कंफिग्रेशन होती है ना, 4s2 3d5 आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंगनीज 2 के अंदर ये 4s वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉक ऑफ हो चुके हुए होते हैं, आपके पास d5 कंफिग्रेशन होती है। ठीक है, आपके पास ये पांच ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें पांच आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके ख्याल में इसमें चूंकि ये सारों की स्पिन सेम है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे से एक ऊपर जाएगा या कहीं से भी कहीं पे जाएगा वो सेम स्पिन के साथ जाना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, इन दैट केस इस तरह के जो होते हैं ना आपके पास बहुत लाइट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइट कलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैसे हाई लेवल का कंसेप्ट है लेकिन आपको मैं जनरल थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं। यानी इसके अंदर आप एक तरह से समझ लो बहुत लाइट कलर इस वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि डी डी ट्रांजिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन होती तो है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, उसकी वजह से आपके पास बहुत ही लाइट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से आपके पास जब ये जितने भी आप सॉल्यूशंस कर रहे हो ना जिसमें आपके पास मैंगनीज सल्फेट बन रहा है और उसके अलावा आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड वगैरह बन रहा है, इन सब के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपका जो कलर होता है ना सॉल्यूशन का वो आपके पास वेरी 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 लाइट पिंक। ठीक है, आपकी टाइट्रेशन के रिएक्शंस भी यही होते हैं। ठीक है, आप टाइट्रेशन जब करते हो ना, टाइट्रेशन आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और आपके लेट से फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट में जब चेंज होता है तो बेसिकली सॉल्यूशन का जो कलर होता है ना वो आपका पहले पर्पल होता है। अगर आप रिकॉल करो टाइट्रेशन का तरीका क्या होता है, आप पर्पल कलर के अंदर आप एसिड डालते जाते हो और फिर थोड़ी देर डालते रहते हो जब तक आपका कलर जो है वो बिल्कुल कलरलेस नहीं हो जाता, कलरलेस नहीं हो जाता, वो कलरलेस के करीब, क्योंकि आपका जो फाइनल आपका एंड पॉइंट होता है वो पिंक कलर होता है ना। अगर आप रिकॉल करो हम क्या यूज करते हैं, पिंक कलर यूज करते हैं एंड पॉइंट को, तो वो पिंक कलर जो है वो बेसिकली वेरी वेरी लाइट पर्पल होता है। तो ये वेरी लाइट शेड्स जो हैं ये मैंगनीज टू आयन शो करता है बिकॉज इसमें डीडी ट्रांजिशन जो होती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो आज के लेक्चर में ये आपकी थोड़ी सी समरी होगी जो लास्ट में आपको बताई। यूजेस अभी तक मैंने इतने डिस्कस नहीं किए, यूजेस भी आपको मैं बता देता हूँ। यूजेस जो होते हैं आपके पास, एक तो सबसे मेजर यूज होता है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यह यूज होता है। ठीक है, सेकेंडली आपके पास डिसइंफेक्टेंट है, ड्राइंग एजेंट सॉरी डिसइंफेक्टेंट है, जर्मिसाइड्स के अंदर यूज होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेटिक सिंथेसाइज करने के लिए भी यूज होता है। आपके पास जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो पाइरोलुसाइट था आपके पास, या आपके पास ड्राई सेल्स के अंदर भी यूज होता है, ड्राई सेल्स के अंदर। ठीक है, ड्राई सेल्स के अंदर अगर आप चखो ना उसको, वो जो एक हल्का सा ऊपर टेस्ट भी आ रहा होता है, ब्लैक सी कोई चीज होती है पाउडर, वो जो अंदर ब्लैक सा कुछ पड़ा हुआ होता है वो आपके पास ये होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आपके पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। तो दैट्स इट फॉर मैंगनीज के कंपाउंड्स। हमारा बेसिकली जो लेक्चर है वो खत्म हो गया है और ये लेक्चर के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाइनल चैप्टर था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हम मुख्तलिफ कंसेप्ट देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।